अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। टुडे इज़ 11th May 2021। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 65। फोर्थ क्लास, आज हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 65 की। हमारा टॉपिक चल रहा है टर्किश डिलाइट कुकीज़। ठीक है, रीडिंग हमने करनी है। देखें, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताऊँगी, उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी रीडिंग जो है वो खुद से करनी है। देखिए, स्प्रिंकल होता है फैलाना। ठीक है, वो कह रहे हैं जी शुगर जो है उसको क्या करें, स्प्रिंकल उसको फैला दें, एक टीस्पून जो है उसको आपने फैलाना है, स्प्रिंकल फैलाना। ठीक है, उसके बाद डिलीशियस मज़ेदार। ठीक है, एवर हमेशा, हैप्पीली खुशी से, लाफ हंसना, ये सारे जो हैं रियली यकीनन ये सारे वो वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, आपके लिए अननोन नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे पास यही थे जिसके मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं। तो मार्क द डेट, डेट लगानी है आपने 11/5/21, यहाँ पर डेट लगाएं। पेज नंबर 65 है जिसकी रीडिंग आज हमने की है। ठीक है, देखें जी 11/5/21। ठीक है, ये आपने जो है इसकी रीडिंग जो है वो ज़रूर करनी है। रीडिंग को जो है वो इग्नोर ना किया करें। अगर आप रीडिंग कर सकते हैं तो ही जो है वो आपके लिए याद करना भी आसान होगा। ठीक है, रीडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके साथ ही ये हमारी रीडिंग थी, इसके साथ ही फोर्थ क्लास, आज हम प्रैक्टिस बुक का टॉपिक जो है वो हमारा आज भी नहीं है, काम नहीं करेंगे। आज हम करेंगे जी एसे। फोर्थ क्लास हमारा एसे है जी द बुक। ठीक है, एसे है हमारा द बुक, किताब, 11/5/21। आपने अपनी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक जो है, सॉरी आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर आपने जो है ये एचबुक में भी करना है, और इसको उसके बाद जब आप अच्छी तरह से ये याद कर लेंगे तो फिर आपने इसको लिख के अलहदा से रफ नोटबुक के ऊपर लिख के आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ऐसे है द बुक। इसको आपने क्या करना है, पॉइंट वाइज करना है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना, टॉपिक पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। इसके 10 पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है, और एंड पे फुल स्टॉप लाजमी है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हुए एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाते तो ओवरऑल आपके हाफ मार्क्स मार्क की डिडक्शन होती है। ठीक है, इट इज़ अ बुक, इट इज़ माय बुक, ये मेरी किताब है। ठीक है, इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है, इट इज़ माय बुक, ये मेरी किताब है, इट इज़ अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है, इट इज़ एन इंग्लिश बुक, ये इंग्लिश की किताब है, इट हैज़ मैनी स्टोरीज, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, इट हैज़ मैनी पोइम्स, इसमें बहुत सारी नज़में हैं, इट हैज़ कलरफुल पिक्चर्स, इसमें बहुत ही कलरफुल जो है रंग बिरंगी तस्वीर हैं, आई रीड इट डेली, मैं इसे डेली पढ़ता हूँ, इट इंक्रीज माई नॉलेज, इंक्रीज वर्ड आपके लिए जो है वो नया होगा यकीनन, INCREASE, इंक्रीज, इंक्रीज होता है बढ़ाना, इंक्रीज क्या होता है जी, बढ़ाना, ये क्या करता है, इट इंक्रीज माई नॉलेज, ये मेरे इल्म को बढ़ाता है। ठीक है, इट इंक्रीज माई नॉलेज, ये मेरे इल्म को बढ़ाता है, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें, देखें एक बार दोबारा से देखते हैं, इट इज़ अ बुक, इट इज़ माई बुक, इट इज़ अ गुड बुक, इट इज़ एन इंग्लिश बुक, इट हैज़ मैनी स्टोरीज, इट हैज़ मैनी पोइम्स, इट हैज़ कलरफुल पिक्चर्स, I read it daily, it increase my knowledge, I like it very much। ठीक है, ये देखें फोर्थ क्लास, मैं ये फुल जो है ये आपको दिखा रही हूँ, 10 पॉइंट्स में सारे आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें, पास करने के बाद अपनी नोटबुक लें, उसके ऊपर आप जो है इसको लिख लें, और लिखने के बाद आपने इसको याद करना है अच्छी तरह से। ठीक है, और ये आज का आपने ये लेसन आज आपने लर्न भी करना है ऐसे, और ये ही आपका एचवर्क है, ये आपने एचवर्क में भी करना है। ठीक है, और फोर्थ क्लास एच वर्क जब आप सेंड करते हैं, मैं आपको डेली बेसिस पे रिमाइंड करवा रही हूँ, डेली बेसिस पे बता रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कोई एक दो स्टूडेंट्स जो हैं, कोई दो चार स्टूडेंट्स जो हैं वो रह ही जाते हैं, उनको कैप्शन में डाल के नेम और सेक्शन आईडी क्लास लिखते हैं, ऐसे ना लिखा करें, जैसे ये वाला आपने लिख लिया है। ठीक है, तो इसके एंड पे आप अपना नेम लिखा करें। ठीक है, आप अपना नेम लिखा करें, क्लास सेक्शन आईडी, ठीक है, क्लास प्लस सेक्शन लिखा करें, उसके बाद अपनी आईडी लिखा करें, और अपना सब्जेक्ट जो है वो ज़रूर मेंशन किया करें, बल्कि बेहतर ये है कि सब्जेक्ट आप यहाँ पर ऊपर मेंशन किया करें, यहाँ पर। ठीक है,
सब्जेक्ट आप ऊपर मेंशन किया करें, ठीक है। इस तरह से जब आप काम रिटर्न वर्क सेंड करते हैं अपना एच वर्क, तो ये डिटेल नीचे लिखनी लाजमी है, ये पेज के ऊपर ही लिख लिया करें, ठीक है। ये हमारा आज का लेसन था फोर्थ क्लास। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।